हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं अपना वन डे ट्रिप वीडियो बनाने वाली हूँ, तो ये रहा वो वीडियो। और खाना पीना खाकर और मैं तैयार होकर अपने स्कूल आ चुकी हूँ और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने बस के लिए। जब तक बस आती और सारे कलीग्स आ जाते तब तक यहाँ पे पूजा का सामान इकट्ठा कर लिया गया है। तो देयर इज अ रिचुअल हेयर कि कभी भी कहीं जाने से पहले बस की पूजा करते हैं। तो अब जब बस आई तो अभी पूजा होने वाली है और पूजा होने के बाद ही हम यहाँ से फिर निकलेंगे। तो नाउ दे आर डूइंग द पूजा। तो अब हो चुकी पूजा और नाउ वी आर रेडी टू मूव। तो अब हम लोगों ने यहाँ पहला अपना टोल क्रॉस किया और नाउ वी आर इन नाइस रोड। तो शाम के अभी बज रहे हैं 5:30 और वी आर 21 पीपल इन अ बस, जिसमें 18 टीचर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं और 3 बच्चे भी साथ में हैं। तो ऐसा बहुत दिनों के बाद हो रहा है कि जब हम सारे टीचर्स किसी ट्रिप में जा रहे हैं। एंड एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अ वन डे ट्रिप, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ वन डे ट्रिप। आज जो है, आज हमें रात में स्टे करना है। आई विल टेल यू वेयर। कुर्ग या मडिकेरी जाने के लिए हमें पहले मैसूरू जाना है और मैसूरू पहुंचने के लिए हमें रामनगरा, चन्नपटना, मंडिया, ये सारी चीज़ें क्रॉस करनी है, श्रीरंगपटना। तो अभी जो है शाम होती जा रही है, मीन इट इज़ अबाउट टू बी डार्क। तो अ लॉट ऑफ वेरियस शेड्स ऑफ इवनिंग वी सॉ, ये देख सकते हैं आप कैसे शाम जो है वो होती जा रही है। और अब जो है हम लोगों ने शुरू कर दिया है अंताक्षरी। तो सारे टीचर्स जो हैं दे ऑल वेयर इन्जॉइंग अंताक्षरी, साथ में मैंने भी ज्वाइन कर लिया उन्हें। और यहाँ से डिस्टेंस जो है मडिकेरी का वो है अराउंड 270 किलोमीटर, मतलब 6.5 आवर लग जाएगा। तो अगर हम निकले हैं 5:30 बजे और कैलकुलेट करें तो अराउंड 12:30 हो जाएगा वहाँ पे। सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू मडिकेरी कुर्ग, विल स्टे इन वन ऑफ आवर स्कूल विच इज़ अ रेसिडेंशियल स्कूल नियर मैसूरू। एंड राइट नाउ हेयर आई विल थैंक माई चेयरमैन सर हु एक्चुअली प्रोवाइडेड दैट प्लेस फॉर अस। तो आज रात हम यही स्टे करेंगे और ये बहुत ही फेमस रेजिडेंशियल स्कूल है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ आवर स्कूल इन बैंगलोर। तो अराउंड 5 acre एरिया में ये फैला हुआ है और ये रहा उसका व्यू। तो अभी फ़िलहाल 2 साल हुए हैं इसे बिल्ड हुए हुए और काफ़ी अच्छे से हमारा वहाँ पे वेलकम किया गया। जितने भी अटेंडेंट थे वहाँ पे, कुक्स थे और केयर टेकर, सब ने बहुत अच्छा केयर किया हम लोगों का। और डिनर के बाद फिर हम किचन आ गए। तो हम जस्ट वी वेर क्यूरियस टू सी अवर स्कूल, न्यूली बिल्ट स्कूल। इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी हैड गॉन ओवर देयर। तो हम सारे एरियाज को कवर कर रहे थे, देख रहे थे उन्हें। सो इट इज़ अ रेजिडेंशियल स्कूल, मीन मेनी चिल्ड्रंस आर देयर हु आर स्टेइंग इन अ होस्टल। एंड इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू 2 पार्ट्स, वन साइड वेयर द स्कूल रन्स, वन साइड वेयर द स्टूडेंट्स स्टे। और ये है हमारा मेन स्कूल का एरिया। तो हमें यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकलना है, इसलिए वी आर रनिंग शॉर्टली, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो इसलिए खाना खाने के बाद फिर हमने एक राउंड लगा लिया अपने स्कूल का। तो ये रहा वो एरिया जहाँ पे स्कूल चलता है। और हम 10 बजे स्कूल अपने एंटर कर चुके थे रात में, खाना वाना खाने के बाद। अभी 11:30 बज रहे हैं, तो हमें सोना भी है और जल्दी से फिर उठना भी है और निकलना भी है, अदरवाइज़ फिर हम
काफ़ी सारे एरियाज़ जो है जिन्हें हमने प्लान किया है वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये एरियाज़ देखने के बाद फिर हम चले गए सोने के लिए। और अब बज चुके हैं सुबह के 5:30 और सुबह फ्रेश होने के बाद हमारा नाश्ता हुआ। नाश्ते में डोसा, मसाला डोसा हमें मिला और उसके बाद फिर हम बाहर आ गए क्योंकि रात में बाहर का व्यू इतना पता नहीं चल रहा था। दिस इज़ आवर रेजिडेंशियल स्कूल, तो यहाँ पे भी हमने बहुत मज़ा किया, पिक्चर्स क्लिक किया एंड वी वॉन्टेड टू स्टे अ बिट मोर हेयर, बट यहाँ रुकने से यही होता कि फिर हम लेट हो जाते। तो फिर हम निकल चले वहाँ से और अब यहाँ से जो जर्नी है मडिकेरे कुर के लिए वो है अराउंड 2 hours 28 minutes। मीन अराउंड 8:30 to 9 o'clock को हम वहाँ पे कुर्ग मडिकेरे पहुँच जाएंगे। लेकिन ये डिस्टेंस हमें बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ, पता नहीं चला, बिकॉज जस्ट हम फ्रेशन अप हुए थे और वी आर नॉट इन द मूड टू स्लीप ऑल्सो। तो बहुत ही जल्दी हम यहाँ पे पहुँच गए। जैसे ही हम कुर्ग एंटर हुए, कॉफ़ी प्लांटेशन, कार्डमम प्लांट, पेपर, सारी चीज़ें हमें दिखने लगी और व्यू जो है पूरा का पूरा चेंज हो गया था। तो वो एहसास हो रहा था कि यस वी हैव रीच्ड कुर्ग। और मैं बता दूं कि कुर्ग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इफ़ यू आर इन बैंगलोर, इफ़ यू आर इन कर्नाटका, तो आप कभी भी इसे मिस ना करें, ये बहुत अच्छी जगह है। तो ये मेरा सेकेंड ट्रिप है, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ बट कलीग्स के साथ मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जो सीन हम लोगों ने देखा, वी हैव नेवर एक्सपेक्टेड दैट वी विल सी फॉग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अप्रैल के मंथ में हमें इतनी ज़्यादा फॉग मिली और ऐसा लग रहा था कि शायद हम अक्टूबर नवंबर के मंथ में यहाँ पे आए हैं, क्योंकि द बेस्ट टाइम टू कम ओवर हेयर इज़ अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इस टाइम पे आप आएंगे तो आपको कुछ इसी तरह का जो है व्यू दिखेगा। बट वी वेयर ब्लेस्ड कि हम लोगों ने अप्रैल के मंथ में ऐसा व्यू देखा, पूरा का पूरा फॉगी था और टाइम हो रहा था अराउंड 8 o'clock। तो 8 बजे आपको इतना सारा कोहरा कुहासा दिखना बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और ये सारा जो आप देख रहे हैं वो पूरा कॉफ़ी प्लांट है और जो टॉल ट्रीज देख रहे हैं उसमें पेपर्स हैं, तो पेपर्स जो है वो ग्रो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए क्लाइंबर्स। तो ये सारे पूरा कुर्ग जो है वो भरा हुआ है कॉफ़ी से। तो कुर्ग इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी, चॉकलेट्स, कार्डमम, पेपर, बहुत सारे अदर स्पाइसेस, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है, इवन ऑल्सो फॉर सैंडलवुड। और ये रहा वो व्यू जिसकी मैं बात कर रही थी, इसे देखकर तो हम सब उछल पड़े, बिकॉज वी हैव नेवर नेवर एवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ व्यू। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फ्रेश हवा आ रही थी, तो मुझे कई जगहों पे विंडो बंद करना पड़ जा रहा था। एंड सॉरी आई कुडंट टेक द वीडियो प्रॉपरली बिकॉज मेरे हाथ में कैमराज थे और थोड़ी दिक्कत आई थी, व्हीकल्स वेयर क्रॉसिंग गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर, so a bit difficult for me to take the video for you people, even though I hope that I tried my best। तो यही है ये वो व्यू जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सो कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड फीचर्स। We are on
द वे टू रीच आवर विजन, जिसका नाम है तल कावेरी, और ये है उसका एंट्रेंस। एंड आफ्टर दिस पॉइंट द प्राइवेट व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। इफ वी यू आर गोइंग विद योर ओन व्हीकल देन यू कैन गो अ बिट इनसाइड। और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे शॉप्स है फॉर द विजिटर्स, और सारे मेरे कलीग्स जा चुके हैं आगे और मैं रह गई हूँ पीछे। और यहाँ का जो सीन हम लोगों ने देखा, अगेन इट वॉज ओवरवेलमिंग, इट वॉज ऑसम फॉर अस, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9 और 9 बजे भी इस तरह का व्यू हमें देखने को मिला तो बहुत बड़ी बात थी। लाइक वी वेयर टू मच लकी टू सी और टू गेट सच काइंड ऑफ सीन्स। एंड अब हम जा रहे हैं अंदर, शी इज़ माई फ्रेंड कलीग एंड नाउ इट्स मी। तो अभी हम लोग काफ़ी जल्दी यहाँ पे आ चुके हैं इसलिए विजिटर्स दिख नहीं रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है, बहुत भीड़ होता है। और दिस इज़ द प्लेस, पर्टिकुलर एरिया विच इज़ कॉल्ड एज अ बर्थ प्लेस ऑफ कावेरी रिवर, तो वेयर द पिक्चर्स एंड फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड, बट सम हाउ आई गॉट अ चांस टू ग्रैब टू क्लिक सम पिक्चर्स एंड वीडियोज, अदरवाइज इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हियर। तो यहाँ पे लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं और आगे बढ़ने पे हमें वहाँ पे दिखा कुछ लोग पूजा भी कर रहे थे। टेंपल के जस्ट बगल से एक रास्ता जाता है जहाँ पे एक छोटा सा माउंटेन है एंड इट इज़ हैविंग अराउंड 300 to 350 स्टेप्स, और वहाँ सारे विजिटर्स जाते हैं जिन्हें पता है उसके बारे में, और वहाँ जाकर पूरा उन्हें एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है नियर बाय तल कावेरी, व्हाट आर द एरियाज आर देयर, आप देख सकते हैं। बट राइट नाउ दे डिडंट अलाउ अस, मे बी इट वॉज टू अर्ली फॉर अस टू गो देयर। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर अपना वक्त बिताया और फिर हम लोग आगे बढ़ गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और जो अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है भागमंडला। तो यहाँ पे तल कावेरी में हमारा काम जल्दी ख़त्म हो गया, दैट्स वाई वी वेर एबल टू मूव टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश हो जाती है एंड आपको पार्किंग के लिए भी एरिया ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवेज अब हम जहाँ जा रहे हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, स्पेशली फॉर हिंदूज, दोज हु आर कमिंग टू तल कावेरी, दे हैव टू विजिट भागमंडला। और मैं बता दूँ कि भागमंडला में त्रिवेणी संगम भी है, मीन थ्री रिवर्स दे केम टू वन पॉइंट एंड मीट, सो ये बहुत ही रिलीजियस प्लेस है। और ये है वो टेंपल जहाँ पे सारे विजिटर्स आते हैं एंड शी इज़ माय कलीग, नियर टू माय हार्ट। तो मेरे सारे कलीग्स जो हैं वो अंदर चले गए और आई टोल्ड माय कलीग्स दैट अगर हो सके तो वो भी मेरे लिए कुछ पिक्चर्स ग्रैब करके लेके आ जाएं, बट इन मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स दिस टाइम काइंड ऑफ फोटोग्राफीज आर नॉट बीइंग अलाउड। और मैं यहाँ पे अभी उनका वेट कर रही हूँ, जब तक कि वो आए तब तक मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। और जैसे मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, तो त्रिवेणी संगम में जो लोग हैं अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स की अस्थियाँ यहाँ पे लाकर विसर्जित करते हैं, दैट्स वाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, मैं आपको वो दिखाऊंगी। सो जब मेरे कलीग्स आ गए तो फिर हम लोग वहाँ पे भी गए, बट अगेन दैट वी कैन नॉट टेक द पिक्चर्स, सो मैं यहाँ पे साइड में आ गई एंड जस्ट फॉर यू पीपल आई ट्राई टू टेक सम वीडियोस ऑफ इट। तो यही है वो त्रिवेणी संगम जहाँ पे तीन नदियाँ आकर आपस में मिलती हैं। और अब हम फिर आगे बढ़ चले और अभी हो चुका है टाइम अराउंड 11:30 और रास्ते में फिर से शुरू हो गया गाना बजाना मस्ती। ये
और अब हम जा रहे हैं सिटी के साइड में। तो सिटी जो है वो कुर्ग, जिसे कुडाओ के नाम से भी जाना जाता है, और इस कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इतना इम्पोर्टेंस है इस प्लेस का। और रास्ते में आपको बहुत सारे डिफरेंट, मुझे तो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लावर्स दिख रहे थे, तो मेरा तो सारा ध्यान कंसंट्रेशन सिर्फ व्यू पे था, मैं सिर्फ वही देख रही थी। और आपको नेचर से कनेक्ट होने का मौका मिल जाता है यहाँ पर, जो कि आजकल जो है ख़त्म होता जा रहा है। तो स्टिल कुर्ग हैज़ केप्ट इट्स नेचुरल ब्यूटी अलॉन्ग विद इट। और अब हम आ गए हैं कुर्ग टाउन, मडिकेरी टाउन में, और यहाँ पे हम आए हैं राजा सीट। तो ये रहा राजा सीट का एंट्रेंस। और ये अपने फ्लोरल ब्यूटी और आर्टिफिशियल फाउंटेन्स के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ इस नाम राजा सीट जो दिया गया है, उसके पीछे एक स्टोरी है कि राजा जो थे यहाँ के, वो यहाँ पे आकर देयर अ प्लेस जहाँ वो बैठते थे और पूरे कुडाओ का व्यू लेते थे अलॉन्ग विद देयर सब ऑर्डिनेट्स। सो आई विल शो दैट प्लेस टू यू ऑल्सो। और अभी गर्मी हो गई है काफ़ी तेज़, और रश यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, बट जब आप सीजन में आएंगे तो अ लॉट ऑफ रश विल बी देयर, बट एट द सेम टाइम यू कैन एंजॉय द वेदर। सो राइट नाउ इट इज़ हॉट एंड एज वेल एज द रश इज़ लेस, सो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा है। और ये रहा वो प्लेस जिसे राजा सीट के नाम से जाना जाता है, द सेमी सर्कल, जहाँ पे राजा अपने सारे मंत्रियों के साथ यहाँ पे बैठते थे और फुल कुडागु का व्यू लेते थे। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो राजा सीट को ज़रूर विजिट करते हैं। राजा सीट में हम लोगों ने काफ़ी सारा अपना टाइम स्पेंड किया, साथ ही साथ काफ़ी पिक्चर्स वीडियोस भी लिए। और आगे हमें काफ़ी सारे अपने डेस्टिनेशन को कवर करना है, जिसका वीडियो जल्द ही आएगा मेरे कुर्ग मडिकेरी पार्ट 2 में। तो अगर आपको मेरा वो वीडियो देखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय नेक्स्ट वीडियोस। तो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।